एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा, आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर 5 है और ये आपकी कक्षा 8 की हिंदी की वर्कशीट है और पाठ है हमारा बस की यात्रा। और ये आपके जो है बुक, यानी कि एनसीईआरटी की बुक के पार्ट 3 है आपका बस की यात्रा। तो आप बेटा पार्ट को जो है जरूर पढ़ें अपनी बुक से, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरे पार्ट का पता चलेगा कि जो है पार्ट में दिया क्या गया है। देखिए, जो वर्कशीट में आते हैं बेटा, वो जो है पैराग्राफ आते हैं आपके, कि एक पैराग्राफ अब आ गया, एक अगले वीक आ गया, एक उससे अगले वीक आ गया। तो हमें जो है बेटा एक बार जो है बुक से पूरी तरह से रिवाइज कर लेना है पार्ट को, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर बेटा आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है और यहाँ आपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। आगे देखिए, इस वर्कशीट के बेस पर कुछ जो है प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले क्या है कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया था? तो क्यों लिया था बेटा, क्योंकि उन्हें पांचों को जो है, पांच मित्रों में से दो को सुबह जो है नौकरी यानी कि अपने काम पर जाना था, तो इसलिए उन्होंने शाम की बस को पकड़ना ही ठीक समझा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय इसलिए लिए किया क्योंकि उन पांचों मित्रों में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी कि उन्हें ड्यूटी पर जाना था। आगे देखते हैं बेटा, प्रश्न नंबर 2 है हमारा कि लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों? तो जब वो वहां पर बस स्टॉप पर पहुंचे तो लोगों ने कहा कि जो है इस समझदार व्यक्ति इस शाम वाली बस में सफर नहीं करते। और किसी लिए कहा, क्योंकि बेटा वो बस जो है बहुत ही खराब हालत में थी, जर्जर दशा में थी और उसे देखकर जो है ऐसा लग रहा था ये कहीं भी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि उस बस की हालत बहुत खराब थी। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफर ना करें क्योंकि उसकी जर्जर दशा से पता नहीं कब वह कब खराब हो जाए और दुर्घटना कर बैठे। और या दूसरा ये भी हो सकता है बेटा कि खराब हो जाए और टाइम से जो है अपने घर पर ना पहुंचे। तो इसलिए जो है लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को यह सलाह दी। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग्य बातें कही उन्हें अपने शब्दों में लिखे। तो व्यंग्य हमने पढ़ा था बेटा क्या होता है कि अपनी बात हम लोग हाजिर यानी कि अपनी बात सीधे सीधे ना कहकर हम जो है घुमा फिरा कर कहें ताकि अगले आदमी को बुरा भी ना लगे। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा, वो कहा लेखक ने कि यह बस बूढ़ी हो चुकी है, इस बस की पूजा करनी चाहिए ना कि यात्रा, इसीलिए इस बस की सवारी कैसे की जा सकती है। तो उन्होंने जो है साफ साफ शब्दों में ना कहकर घुमा फिरा कर जो है बस के बारे में ये शब्द, ये व्यंग्य उन्होंने कहे। आगे है बेटा प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ये गतिविधि दी गई है एक कि अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी भी पुरानी चीज को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। तो यहाँ पर बेटा आपको जो है अपने घर में, आपके घर में कोई भी पुरानी चीज है, कोई भी पुरानी चीज है, तो आपको उसके बारे में, कोई भी घड़ी है, दीवार घड़ी है, कोई भी दरवाजा है, कोई भी पुराना सामान रखा है, तो आप उसको जो है मजाकिया लहजे में उसके विषय में जो है कुछ लाइंस यहाँ पर बातचीत के विषय में लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया बेटा, आपको सेम एज इट इज ऐसे का ऐसे नहीं लिखना है। कभी आप सोचे कि मैम ने लिखा है कि ऐसे ही लिखना है, नहीं, आपको जो है अपने तरीके से लिखना है। आपके घर में कोई भी पुराना सामान है उस पर ही ऐसे जो है एक गतिविधि लिखनी है आपको। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे हमारे घर पर एक पुराना स्कूटर खड़ा है, तो मैंने लिखा है कि मेरे पापा जो है मेरे घर पर मेरे पापा का पुराना स्कूटर खड़ा है लेकिन उसे कोई नहीं चलाता, क्योंकि अब पापा भी नहीं चलाते हैं, तो क्या है वो भी अपने टाइम पर कभी चलाते थे, क्योंकि अब उसका स्थान स्कूटी ने और कार ने ले लिया है। तो घरों में जो है व्हीकल्स जो है इस पर हम स्कूटर से ही मजाक करते हैं, तो हम स्कूटर से ही मजाक करते हैं कि